सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या घटना हुई है आपके साथ में, क्यों परेशान है आप? हाँ, मैं परेशान इसलिए है गुंडों से, मैं अकेली थी घर में, मेरे कोई नहीं था, लड़कियाँ थी वे मंदिर गई थी, पति भी घर पर नहीं थे, ये दो लोग आए, नरेंद्र लोहार और रामस्वरूप का लड़का अखिलेश, ये मेरे साथ बेइज्जती करने लगा, उल्टी सीधी गाली देने लगा और मुझको ज़मीन में पटक दिया इसने और बलात्कार करने लगा मेरे साथ। मेरा जो पति आया तो ये भाग दौड़ के मेरे पति को भी दमोस लिया, और जब मैं थाने गई चौकी गई तो मेरी कोई नहीं सुनाई हुई, मुझे खूब गिरफ्तार कर लिया और 10 बजे 11 लोग मुझे थाने में बैठा लिए और कह रहे थे कि आपको भी बंद कर देंगे, जेल भेज देंगे, लड़की लगा देंगे आपके साथ जो भागोगी यहाँ से। तो हम बैठे रहे बेबस, कुछ नहीं हमारी सुनाई, उन्हें कि साहब बेदमंग लोग हैं, उनकी सुनाई होती है, हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं है, बताइए साहब मैं मर जाएंगे क्या, घर छोड़ जाएंगे, इस लोगों से बहुत गुंडों से परेशान हैं हम। थाना जरिया के कस्बा सरीला के मोहल्ला गुरुदेवपुरा में कल दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसके क्रम में दोनों पक्षों के द्वारा थाना जरिया पर तहरीर दी गई थी, जिसके क्रम में थाना जरिया द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध कई वर्षों से पुराने विवाद को लेकर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। दोनों पक्षों की तहरीर पर थाना जरिया पर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद गहनता से विवेचना करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो प्रत्येक बिंदुओं की जाँच करें और जांच के बाद जो भी तथ्य आता है उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करें। क्या घटना हुई है आपके साथ में? हमारे साथ में ये घटना हुई, मैं हार से सुबह लौट के आया तो खेत देखते, इसलिए कि मैंने घर पर देखा तो ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे हुए, मैंने लग के आया इनको साथ, मुझे भी दबोचने के लिए मारने के लिए दौड़े जी साहब, तो हमारा साला भी साथ में था, तो ये लोग दबंग लोग हैं साहब, अखिलेश रामस्वरूप करड़ का और नरेंद्र लक्ष्मण दास करड़ का विश्वकर्मा, ये लोग बहुत दमंग हैं, इनके कारण गांव के लोग भी परेशान हैं, हम लोग घर से मतलब बाहर से आए साहब तो ये घर में घुसे थे, हम लोगों को देखा तो भाग निकले भाई, तो हमने इनसे थोड़ा बात किया तो ये सीधे चौकी पहुंचे, चौकी में जाके इनने हमारा ही उल्टा असलाह बता रहा, क्या असलाह लेके साहब हमको मारने को दौड़े, तो हम जब वहाँ से चौकी इंचार्ज के पास गए साहब तो चौकी इंचार्ज ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, थाने में पहुँचे साहब तो थाने में थानेदार ने हमको उल्टा डांटा है और डांटते हुए कहा है कि ऐसा है देखो भाई सही सही पे आ जाओ, तो सही साहब क्या मेरे साथ पहले भी गलत हो चुका है, इनके पिता लोगों ने किया अब साहब, फिर भी ग्वाल लगाता रहा कहीं नहीं सुनाई हुई, इसलिए मैं साहब थाने से लौट के भाग आया कि चलो साहब 9-10 बजे रात में इनने हमको तस्चिया कराया कि हम इनको जेल भेज रहे हैं, तसल्ली दी, तो मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा साहब, इनसे हार खेतों से जाने के लिए तंग हूँ, परेशान हूँ, हार खेती किसानी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सब साधन बर्बाद हैं साहब, इन लोगों ने एक लड़की को भी तालाब में, इनकी रिश्तेदार थी उसको 2 दिन रखे रहे अंदर तालाब में फेंक दिया, गांव ने कुछ नहीं कहा, ना गांव कोई लोग देखते ही रह गए साहब, इनका इतने बड़े गुंडे हैं कि इनकी सब कुछ खरीदा हुआ है, इनके कुछ नहीं हो रहा है इनसे साहब, गाँव की अभी 1 महीना पहले आतंक हुआ रहा था, गोली चलाई थी साहब गाँव में इनने, मतलब आप उनका रिकॉर्ड मालूम कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।